आप देख रहे हैं यू फॉर यू, मैं हूं रविंदर सिंह। कांग्रेस आज विरोध प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर। जिस तरह से प्याज और सब्जियां महंगी हो गई हैं, उसी को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और यहां पुलिस के अधिकारी जो इनको बाहर जाने से रोक रहे हैं, और ये धक्का मुक्की कांग्रेस के लोगों और पुलिस के बीच यहाँ शुरू हो गई है। बिल्कुल प्रेस क्लब के बाहर ये लोग हाथ में थालियां और स्लोगन ले एक साइन बोर्ड लेकर बाहर आ रहे हैं कि महंगाई हो गई है, भरमार नहीं चाहिए मोदी सरकार, और इसी को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किए हैं महंगाई को लेकर, लेकिन आपको बता दें कि प्याज जो है भारत के कई राज्यों में 100 से पार कर चुका है इसका आंकड़ा, और आम आदमी को रुला रहा है प्याज, और उसके साथ साथ अन्य सब्जियां भी जो हैं वो काफ़ी महंगी हो गई हैं। इसी को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन है और कटाक्ष किया जा रहा है विपक्ष पे, विपक्ष द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है कि जिस तरह से मोदी सरकार के चलते ये महंगाई जो है आसमान छू रही है, प्याज की इतनी कीमत कभी नहीं गई, इसी को लेकर विरोध प्रदर्शन। और आप तस्वीरों में देख सकते हो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच भिड़ंत हो रही है, और पुलिस का एक दस्ता पहले से यहाँ तैनात था कि उनको था शुभा था कि ये लोग बाहर निकलकर घेराव करेंगे, रोड बंद करेंगे। इसी को लेकर सुरक्षा बलों ने पहले से इंतज़ाम करके रखे हुए थे, और महिला पुलिस के अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, और ये विरोध पर इनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। और इस तरह के विरोध अपोजिशन के द्वारा होने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्याज की कीमत जो है वो 100 रुपये से ज़्यादा बिक रहा है, और जम्मू की बात की जाए तो 80 रुपये किलो प्याज तक बिक रहा है, तो आम आदमी के लिए काफ़ी दिक्कतें हो गई हैं। और कांग्रेस जो है वो अपना रोल यहाँ पे निभा रही है, और ये मानना पड़ेगा कि इस तरह का अपोजिशन जो है वो चाहिए भी ताकि सरकार को घेर सके। हालांकि कल जो बात हुई थी, जिस तरह से कल बात की गई थी मिनिस्टर केंद्र सरकार में भी, कि उन्होंने कहा था कि जिस तरह से बाढ़ आई है कई राज्यों में, प्याज की फसल जो है वो तबाह हुई है, और उसके बाद जो जमाखोरी है वो भी प्याज की बढ़ती कीमतों का कारण है, लेकिन ये जस्टिफाई नहीं है। आम आदमी के जीवन में इसका गहरा असर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है, और यहाँ पे अब एक पुलिस के द्वारा को रोका जा रहा है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि महिला कार्यकर्ता भी हैं और महिला पुलिस अधिकारी यहां मौजूद हैं, जो उनको रोकने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि बाहर जाकर कोई सड़क को जाम ना किया जाए। और इसी को लेकर ये जद्दोजहद यहां पे अभी चल रही है। कांग्रेस के बड़े नेता भी यहां मौजूद हैं, रमन भल्ला साहब भी यहां पे हैं हाथ में प्याज लिए हुए, और विरोध दर्ज करा रहे हैं कि महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ी है, और पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद हैं कि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। आगे करता है महंगाई को लेकर प्रदर्शन यहाँ पे है। जिस ढंग से जीएसटी में गिरावट यहाँ पे आई, मैं समझता हूँ मोदी का जीडीपी जो ग्रोथ वो काफी डाउन यहाँ पे होगा, 4.5 में यहाँ पे आ गया, तो मैं समझता हूँ उसका रोष प्रकट करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि सत्ता के नशे में सोई सरकार जाग पाए, कदम उठा पाए, और महंगाई जिस तरह से बढ़ पा रही है, आम आदमी का रसोई चलाना मुश्किल हो गया, इन चीज़ों का विरोध करने के लिए, ताकि सत्ता के नशे से कोई भी सरकार जागे और कदम उठाए, ताकि गरीब आदमी को जो पिस्ता चला जा रहा है उसको राहत पहुंचा पाए। कांग्रेस के बड़े नेता रमन भल्ला का साफ कहना है कि जिस तरह से महंगाई की मार जो है पूरे भारतवर्ष में है और जम्मू भी उसकी चपेट में है, और यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से बाहर निकल पाएँ, लेकिन पुलिस के अधिकारी जो हैं वो लगातार इस विरोध प्रदर्शन को रोक रहे हैं।
विपक्ष अपना रोल पूरी तरह से निभा रही है, जिस तरह से कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस के अधिकारी इनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं, लेकिन ये जद्दोजहद अभी भी जारी है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल साफ हैं, जो इसमें मैसेज है बिल्कुल साफ है। जिस तरह से भारत में, जम्मू की बात की जाए, पूरे भारत की बात की जाए, महंगाई जो लगातार बढ़ रही है उस पर रोक लगाने की ज़रूरत है। और ख़ासकर प्याज और सब्जियां जो आम आदमी के जनजीवन में एक अहम रोल निभाती हैं, उसे आम आदमी जो है काफ़ी चिंतित है। ये प्रदर्शन इसी को लेकर था कि महंगाई की जो मार है उसको कम किया जाए, और इसी को लेकर कांग्रेस ने आज विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू से शुभ कुमार के साथ रविंद्र सिंह, यू फॉर यू के लिए।